मारूफ खातून मेजबान निदा यासर, जो अक्सर अपनी हाजिर जवाबी पर तनकीद का निशाना बनती रहती हैं, अपनी हालिया वायरल होने वाली वीडियो पर कुछ सारिफीन उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मॉर्निंग शो की मेजबान निदा यासर को अक्सर अपने शो में जेर बहस मौजूद के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ता है। अक्सर उनके कॉन्टेंट की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बना देता है। कभी रंग गोरा करने की तरकीबें तो कभी मोटापा कम करने के लिए तरीके बताती निदा यासर को। जहाँ सारफीन तनकीद का निशाना बनाते हैं, वही चंद सारफीन ऐसे भी हैं जो उनको सराहते नजर आते हैं और उनकी हाजिर दिमागी की दाद देते हैं। ऐसे ही निदा यासर के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें हमजा अली अब्बासी के हमशक्ल के साथ सवाल और जवाब करते देखा जा सकता है। मेजबान निदा यासर से गुफ्तगू करते हुए हमजा के हमशक्ल ने बताया कि लोग मुझे सिर्फ हमजा अली अब्बासी से नहीं बल्कि जमाल शाह और अनिल कपूर से भी मिलाते हैं। जिस पर निदा यासर ने उनसे सवाल किया कि आपको कोई आपके वालदेन से भी मिलाता है या नहीं, जिस पर सारफीन की जानिब से दिलचस्प रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि पहली बार निदा यासर ने कोई अच्छी बात की है। हुमा नामी सारिफ लिखती हैं कि निदा यासर कभी मायूस नहीं करती। एक सारिफ ने लिखा कि निदा यासर बहुत मासूम हैं और बतौर मेजबान मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मतवसत तबके की हकीकी नुमाइंदा हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस वीडियो ने मुझे बहुत हंसाया। रूहान अली लिखते हैं कि निदा यासर टीवी की सबसे मासूम मेजबान हैं, क्योंकि वो सियासत और सियासी बयानबाजी नहीं करती और ना ही उनकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है, वो सीधी सीधी बात करती हैं। निदा यासर की वीडियो पर तबसरा करते हुए एक सारिफ ने लिखा कि ये तो मुए मुए हो गया है। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर सारिफीन की जानिब से निदा यासर को उनकी बातों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।